हेरा कर कर हार शिंगार नारवा पनघट घट का नीचार चली बाजी पायल करगी घायल नैना की तलवार चली हेरा कर कर हार शिंगार नारवा साइंस के बहुत बड़े कीड़े हो और आपको साइंस हाँ, बहुत हाँ, हुआ करता था यार हाँ, मतलब तो आपको मत बहुत बहुत <laughs> भाई टाइप के थे या फिर थोड़े मैं बहुत बिटाऊ बचपन में हर जगह से पिटा हूं मैं एक्चुअली बताऊँ <laughs> मैं मेरे को घर वालों ने भी बहुत मारा है मेरी मम्मी ने मुझे डंडियों से उधेड़ा है फिल्म जो है तीन चीजों की वजह से चले है एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर देवियो और सज्जनों दिल थाम के बैठे क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में आले छोरे एनसीआर के बदमौज छोरे अभिषेक बेंसला अभिषेक ले ले रौम रौम। रौम 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 सबको कैसे हो यार सब थैंक यू सो मच क्या इंट्रो <laughs> है <laughs> <स्क्वेर laughs> <के नाम से laughs> इनको जानते हैं <laughs> तो आ, आपका नाम क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट है एमसी स्क्वायर है तो मतलब मुझे लगा कि मुझ आप पूछ लेना चाहिए मुझसे मुझे आपसे कि अब आपने प्लेबैक कर ली हसल जीत लिया सब कुछ हो गया तो अभी ये ई इक्वल्स टू एम स्क्वायर में ई की जो वैल्यू है कौन से लेवल पर है

एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि यार एनर्जी का मतलब ना सिर्फ वो ही नहीं होता कि पावर एनर्जी एक वाइब होती है okay. वाइब वो कैसी वो एक मैं शांत बैठा वो भी एक एनर्जी है okay. है ना इस तरीके से वो मतलब था मतलब एनर्जी का कि मैं शांत गाने भी बनाऊंगा मैं सब तरह के गाने बनाऊंगा बस मेरा मतलब यही कि मैं कभी भी एक लूप में नहीं अटकूंगा एक जैसे गाने नहीं बनाऊंगा कभी भी एक लूप में अटक गया मैं हमेशा अलग अलग कुछ ना कुछ अलग अलग करता रहूंगा बस वाइब बोला तो वाइब तो काफी ज्यादा आती है आपके गानों से थैंक यू थैंक यू सो मच जी थैंक यू अच्छा अब मुझे आपसे ये जानना था कि आ, आपका नाम अभिषेक है ठीक है है लेकिन हमने देखा कि रैपिंग की दुनिया में हमेशा जो रैपर्स होते हैं वो अपना नाम बदल लेते हैं ऐसा क्यों होता है मतलब ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है होता ही होता है ज्यादातर करते भी नहीं लोग कई लोग कर लेते हैं जैसे सिकंदर कालो भाई का नाम सुना होगा आपने सिकंदर कालो इज रैपर फ्रॉम मोहाली काफी ओजी रैपर है मतलब बहुत पुराने हैं क्या आपके तो उन्होंने उन्होंने अपना नाम वही रखा हुआ सिकंदर कालू उनका नाम है सिकंदर कालू अच्छा। ही रखा हुआ है लेकिन यूजुअली अभिषेक तो, है, हाँ है ना वो बहुत ही थोड़ा सा शांत रहने वाला और बहुत मजाकिया किस्म का बंदा हूँ मतलब बहुत मजाकिया किस्म का बंदा हूँ मैं और मैं थोड़ा घरेलू टाइप का भी हूँ मतलब मुझे घर ज्यादा पसंद है और यही सब मतलब मैं घर में ही रहता हूँ कुछ ज्यादा मतलब मुझे क्लब वगैरह कुछ पसंद नहीं है मुझे क्यों? के नहीं यूथ है। लड़के वो तो बहुत जाते हैं और शो करने जाता हूँ कभी ऐसे नहीं जाता है क्लब जाऊंगा तो बस पैसे कमाने के लिए जाऊंगा उड़ाने के लिए नहीं जाऊंगा हाँ तो मतलब वो वाली चीज है बाकी मतलब मेरा करेक्टर बहुत अलग है और मैंने कहा यार मैं जिस तरह का करेक्टर हु तो मैं ना अलग ही नाम रखता हूँ अपना ताकि मैं अलग अलग अपने अपने उस नाम के थ्रू बता मैंने अपना नाम रखा उसके पर्सपेक्टिव अलग अलग वो वो एनर्जी एनर्जी जो है वो हाँ। अलग अलग तरह की मैं पास ऑन करता हूँ मतलब लोगों को तो किस टाइप की एनर्जी आप चाहते हो की लोग आपके गानों से ग्रास करें हर तरह की सबसे पहली एनर्जी अगर मैं बोलूंगा तो बागी होने की एनर्जी हमेशा बागी बना रहना चाहिए हर किसी में क्योंकि बागी बना क्वेश्चन कराता है क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है लोग क्वेश्चन करने भूल गए किसी से भी सवाल जवाब नहीं करते आजकल कर लोग मतलब किसी से भी मतलब किसी से भी नहीं करते सरकार से भी सवाल जवाब नहीं करते मैं तो कहता हूँ सरकार से भी सवाल अब जो सरकार की बात यहाँ पर उठी है तो मुझे ये जानना है की आपका क्या सवाल है सरकार से क्या आप सिखा रहे लोगो को सवाल क्या है पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ देखो मेरी बात ना बड़े ध्यान से सुनना यार ओके मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ कि सरकार हमने इलेक्ट करी है हमने सरकार को बनाया सरकार कोई अगर अच्छा काम कर रही है ऑब्वियसली सरकार ने बहुत अच्छे काम करे सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो हम उनको प्रेस करे या ना करे हमारी मर्जी है क्योंकि वो उनका काम था वो उन्हें करना ही था इसलिए इलेक्ट किया है समझ लो हाँ। अच्छा काम उन्हें करना ही था पर अगर सरकार कुछ गलत काम करती है तो सवाल उठाने चाहिए लोगों को मेरा सिर्फ मतलब ये सवाल है आपका सरकार? कि हमें है? सरकार से मेरे सवाल तो बहुत सारे यार एक, एक जगह नहीं यार ऐसे नहीं मैं ना रूबरू करा दो मुझे ना किसी से मतलब जो मेन बंदा हो अरे वो रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव उनसे, उनसे कहता हूँ रूबरू यार एक सवाल नहीं है ना अब ऐसा होगा देखो मैं यहाँ पे एक सवाल पूछ लूंगा हाँ। वो उसका जवाब दे देंगे क्या पता दे दे, अच्छा हाँ। दे, दे। और क्या पता उसमें निकलने वाला हो फिर मैं उसे कहाँ पूछता डोलूंगा स्विच कर दिया यार मतलब अगर मैं एक आध सवाल करूंगा तो मैं सिर्फ यही करूंगा कि यार सरकार को यूनिटी बनानी चाहिए लोगों में थोड़ी okay. उस चीज की कमी हो रही है आजकल ओके okay. मतलब से आप ऐसा कह रहे हो आप कहीं भी देख लो मतलब जैसे कहीं भी उठा के देख लो सरकार से हुँ. जैसे कोई भी यार देख लो जैसे आजकल बहुत लड़ाई होती है इन चीजों के ऊपर कि यार मेरा रिलीजन ये है मेरा वो है ये है धर्म के ऊपर जाति के ऊपर मैं ना इस चीज को सही पॉलिटिक्स नहीं मानता मतलब इवन दो मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनके कई कामों को बिल्कुल और वो मैं मन मन में रिस्पेक्ट करता हूँ मुझे स्टोरी नहीं लगानी यार मैं स्टोरी लगा के क्या बताऊँ ये अच्छा काम कर रहा है मुझे पता है जो अच्छा काम करा वो करा है जो जो बाईस जिस जो जिस काम पे सवाल उठाने हैं उनपे उठाओ, उठाओ उठाओ बस मेरा कहने का मतलब ये है कि बागी बना रखो अंदर हमने इलेक्ट किया है सरकार सेवक है सरकार मेवा खाने के लिए नहीं सेवा करने के लिए है तो क्योंकि आपने सरकार की बात कही है तो अभी एक मुद्दा है जवान और जय किसान क्योंकि हमारे देश का ना सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप देखोगे जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले पता किस चीज पे फोकस किया गया था इन दो चीजों पर फोकस किया गया था जब ये नारा निकाला था तो यही इसी चीज पे फोकस करा था कि यार हम अपना जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है अपना खेती बाड़ी इन पे ज्यादा फोकस करा जाए और अपनी आर्मी पे अपने जवानों पे ज्यादा फोकस करा जाए क्योंकि हमारा देश बहुत कमजोर हो चुका था जब यहाँ से अंग्रेज गए थे 1947 में बहुत कमजोर हो चुका था तो सशक्त करने के लिए ना देश को इन इस नारे की जरूरत पड़ी थी कि जय जवान और जय किसान और मेरा मानना यही है कि यार जय जवान और जय किसान अगर आप लोग कह रहे हो कि क्या नाम है कोई चीज है जो आप कह रहे हो कि यार लोगो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये गलत गलत है या सही है तो आप उन्हें अच्छे से सिखाओ उससे से पढ़ाओ अगर आपका पर्सपेक्टिव जो है उन्हें समझाओ बिल्कुल अगर और उनका पर्सपेक्टिव सुनो अगर मान के चलो आप कह रहे हो कि उनको समझ नहीं आ रहा हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो किसानों को समझ नहीं आ रहा तो उन्हें प्लीज समझाओ क्योंकि कि किसान कहाँ से आते हैं किसान आते गांव की बेल्ट से शायद मैंने कहा नहीं आ रहा उन्हें समझ उन्हें समझाओ प्लीज रेदर देन कि तुम भाई उन्हें नहीं आने दोगे कहीं पे भी नहीं आने दोगे रेदर देन इसके उन्हें समझाओ अच्छे से अपना पर्सपेक्टिव समझाओ और उनका पर्सपेक्टिव भी सुनो

That's completely different. हाँ जी। क्या है इसके पीछे कारण रियल रहना मतलब इसके पीछे कारण अगर ऐसी बात नहीं की दिखाऊंगा रियल रहो मतलब, वेट थे थे कि गाड़ी अपनी मतलब चाहिए। मैं कह रहा कि रियल रहो यार तुम ऐसे ना ऐसे मत दिखाओ गाड़ियां भी दिखा रहे हो तो दिखाओ अपनी गाड़ी दिखाओ ऐसे मत दिखाओ की यार तुम रोल्स रॉयस ला रहे हो किराए पे और उस किराए की गाड़ी को खड़ी कर रहे हो Basically क्या ना? गाने के थ्रू अपनी वे ऑफ लिविंग बताओ कि मैं इस तरीके से रहता हूँ अब अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो चलाता हूँ मैं दिखा रहा हूँ उसमें क्या दिक्कत है अच्छा मैं एक ऑडियंस को बता देती हूँ की आपसे जब मैं नीचे मिली थी तो आप कैसे आ रहे थे मतलब एक दूर थार में एक लड़का आ रहा है गाड़ी चला करके और इतने जॉयफुल मूड में वो आ रहा है कि पहले मुझे लगा कि नहीं शायद ये गाड़ी नहीं है दूसरी गाड़ी होगी क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि अभिषेक पीछे बैठ करके आएंगे जैसे यूजुअली आते लेकिन नहीं अभिषेक खुद गाड़ी ड्राइव करके फुल जॉली मूड में गाने वाने सुनते हुए आ रहे थे तो, तो दिस शोज की वॉट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव क्या वाइब है आपकी ओके okay. अभिषेक आपकी एक इंटरव्यू में मैंने सुना था जहां पर आपसे पूछा गया था कि ये एम स्क्वायर का मतलब क्या होता है तो आपने जवाब दिया था कि आप साइंस के बहुत बड़े कीड़े हो और

अब गांव से मैं पहले पढ़ा हिंदी मीडियम में एक लोकल स्कूल में जहाँ okay. मतलब क्या नाम है इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी ज्यादा तो मैं आठवीं तक जब वहाँ पे पढ़ा उसके बाद नाइन्थ क्लास में मेरा एडमिशन करवाया डीएवी स्कूल में डीए okay, वी स्कूल में जब मैं पहली बार मैं गया तो मैं आठवीं क्लास तक टॉपर स्टूडेंट था मतलब oh. मैं टॉप करता था और डीएवी स्कूल में मैं पहली बार गया इंग्लिश मीडियम स्कूल और जब मैं पहली बार गया तो एकदम से ना मैं डर गया वो ब, एक एक होता ना यार गांव का बच्चा और वहां वो देख रहा है इतने पढ़े लिखे बच्चे मतलब वो इंग्लिश में बात करते हैं यार होता है ये ना कि एक गांव का बच्चा आया है और वो देख रहा है कि यार यहाँ पे टीचर्स भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं बच्चे भी तो अंदर ही अंदर ना वो दब जाता है एक पियर प्रेशर ऐसा सा है कि वो दब जाता है अंदर अंदर वो बच्चा तो मेरे अंदर ना वो जो क्यूरियोसिटी होती थी ना पहले पूछने की वो दब गई कि यार मैं पूछू कैसे अब मैं करता था कि यार ये तो बड़े टीचर है ये तो बड़े टीचर है बड़े बच्चे है मैं पूछू कैसे और जो मेरे अंदर के जो सवाल पूछने की वो थी वो दब चुकी थी इसकी वजह से मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया और तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यार मैं पेरेंट्स को ये चीज बोलूंगा कि अपने बच्चे को एक ही एक ही ही स्कूल स्कूल में में पढ़ाओ पढ़ाओ एटलीस्ट तक मेरे हिसाब से या फिर मतलब जल्दी उनका अगर तुम्हें करना ना एक ही स्कूल रखो चाहे जल्दी चेंज कर दो मतलब चौथी पांचवी में चेंज कर दो बट उसके बाद एक स्कूल रखो उससे क्या होता है ना बच्चा अच्छे से समझ जाता है उसको उसे कोई संकोच नहीं रहता कि उसे कुछ पूछना है कुछ क्यूरियोसिटी भी है तो वो वो चीज नहीं रखता अगर बदलता रहता ना स्कूल तो बच्चे को ना नए फ्रेंड्स बनाना नए टीचर्स के साथ पिछड़ जाते हैं की जो हिंदी और इंग्लिश के बीच में डिवाइड है की हाँ लोग सोचते हैं की जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे सुपीरियर होते हैं कूल होते हैं बट मुझे ऐसा नहीं लगता है मुझे तो लगता है की जो बहुत अच्छी हिंदी बोलता हो वो मेरे नजर में मतलब उसके लिए बिल्कुल है ना बिल्कुल आप देखो ना मेरे हिसाब से ये तो language है ना हाँ, language अगर साइंस भी, exactly. तो भी इंग्लिश किसी, कि किसी को इतनी आती है तो वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है ऐसा कुछ नहीं है हिंदी में भी अगर किसी को हिंदी अच्छे से आती हो वो भी मात दे सकता है यार तुम जानते हो ना रामानुजन जी हमारे जो मैथमेटिशियन थे वो मतलब उनको कहीं से प्रॉपर ऑफिशियल स्टडी नहीं करी थी उन्होंने बट वो इतने बड़े मैथमेटिशियन बने थे

तो मैं ना चीज के लिए जिद करता था कि मुझे यही चाहिए मुझे वहां जाना तो जाना है ऐसी जिद करता आई था, था। नो, ये ऐसे जो बच्चे होते हैं है तो, <laughs> तो, तो पिटते हैं पिटने भी तो मैं बहुत पिटा बचपन में और एक्चुअली सही कह रहे हो आप ये पिटना जरूरी है आ, अगर पिटते नहीं ना बच्चे पक्के नहीं होते फिर बच्चे बिगड़ जाते पिटने बहुत जरूरी है ठीक है अब हम अपने गेम पे आएंगे तो मैं पहले आपको अपना जो गेम का रूल है वो बता दू डरना भी मत एकदम भी मत डरना अब नहीं डरता मैं ठीक है चलो ओके तो क्योंकि आपने बोला था कि आपको साइंस बहुत पसंद है तो मेरे पास कुछ साइंस के क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेसिक है मतलब मैंने ऐसे रखे जो मुझे भी आते हो और मैं बिल्कुल साइंस का मेरे अंदर नहीं था ठीक है अब रूल इसमें है कि अगर आपने कोई भी सवाल गलत दिया या फिर नहीं दिया तो आपको अपने पहने मतलब कपड़े ही नहीं आप जैसे कोई रिंग है आपकी जो ब्रेस अच्छा मतलब कोई भी एक चीज को आपको निकाल देना है ठीक है सवाल बहुत कम है तो डरो मत <laughs> इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि डरना बिल्कुल भी दिल्ग, दिल्ग, नहीं ठीक है ई इक्वल्स टू एम सी स्क्र में गॉड oh मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट रखना चाहिए ना क्वेश्चन ओके तो C का ऐसा SI यूनिट क्या होता है C का ऐसा SI यूनिट होता है मीटर पर second अरे यार, E का ऐसा यूनिट क्या होता है E का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन आई थिंक नहीं 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 न्यूटन ही होता है नहीं न्यूटन तो वेट का होता है ई का जूल होता है ये नहीं मानूंगी मैं अच्छा सॉरी जूल, जूल होता है है हेल्प किया गया है, एक सेकंड मैं, मैं 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 नहीं आपने बोल दिया आंसर यार मैं याद करता हूँ एक सेकंड रुको अब ये एक्टिंग करेंगे याद नहीं नहीं मैं दो मिनट में याद कर लूंगा देखो बिल्कुल लेकिन मैं बता दूं क्या वाला नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना एक सेकंड रुको आप आप ले लो टेक योर टाइम बचपन के क्लासेस याद कर रहे हैं साइंस क्लास है। बंग तो नहीं की थी ना एनर्जी झूल ही होती होगी झूल है नहीं मान रही मैं तो ये पीछे से हेल्प मिला, आपको नहीं, देखो नहीं। सब फोन पे लगे हुए झूल है झूल है मैं एकदम नहीं एनर्जी का झूल है ना बट है ना और मुझे याद आ गया क्योंकि मैं देख, देख नहीं, नहीं मैं, मैं याद नहीं कर रही अरे आपने गलत।, गलत चलो ठीक है आपको करनी अपनी मनमानी अब बड़े स्टार हो तो ओ, मैं कुछ नहीं कर सकती मैं तो कौन ही हूँ लेकिन ने, ने, गलत चीटिंग तो हुई है इसमें मार्क्स तो कटे सवाल बताओ कितने ज्यादा नहीं यार और दो सवाल है बस दो सवाल और फिर कोई दिक्कत नहीं गलत हो गया <laughs> और ये जो भी कुछ रख रहे वो मेरा होगा ठीक <laughs> okay, uh, oh, nice. well, okay, है अच्छा? ठीक है यार। सवाल पावर हाउस ऑफ सेल माइट्रिया मुझे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आना चाहिए वाटर का पीएच लेवल बताओ uh, seven यार 7 एक सेकंड एक सेकंड मैं याद करता हूँ कोई बता नहीं रहा मुझे ठीक है कोई इशारा भी नहीं करेगा मैं पीछे से देख रही हूं पीएच लेवल यार वाटर का पीएच लेवल केमिस्ट्री बहुत कमजोर थी मेरी एक तो आपने तो साइंस बोला था ऑल टुगेदर तो मैंने तो सबसे सवाल है है उठा लिया सेवन

अगर मैं अपने आसपास देख रहा हूँ कि एक बंदा सही में स्प्लेंडर पे जा रहा है शहर में और एक मतलब कोशिश कर रहा है किसी लड़की को इम्प्रेस करने की तो मैंने उसी के ऊपर राम राम गाना लिखा है अगर इस तरीके से है मतलब मेरी सारी ठीक है, है तो, तो अगेन इसमें सवाल है कि बाजी पायल करगी घायल नैना की तलवार तो किसकी तलवार चल रही थी उस वक्त तो बेसिकली ऐसे था कि यार बाली शर्मा जी की ना रागनी है एक ये करके हार श्रृंगार शिंगार ये रागनी है मैंने बहुत पहले सुनी थी और फिर मेरे को पसंद मतलब रागनिया बहुत okay. पहले से ही तो मेरा मन था कि पहले से ही कि मैं ना रागनियों का फ्यूजन करूंगा हिप हॉप के साथ hmm. मेरा पहले से मन था तो ये रागनी मेरे दिमाग में बहुत पहले से घूमती रहती थी जब जब अपना वो शो का चला एम टी का जब hmm. चला तो मैंने कहा एक यहाँ पे तो एक्सपेरिमेंट मेरे को करना ही करना है तो मैंने जस्ट वहां पे एक रोमांटिक गाना ये रागनी ऑलरेडी ये लाइन हुक लाइन है उसकी कि बाजी पायल कर ना की तलवार चली ये बेसिकली ओरिजिनल रागनी जो है ना उसकी हुक लाइन है ओके okay. उसकी ओक्लाइन ओक्लाइन ही उठाई है मैंने और उसके ऊपर फिर मैंने मतलब गाना वो किया मतलब अभी आप कुछ सुना सकते हो हमें मतलब बेसिकली क्या बताऊं कुछ भी मतलब मेरे बारे में कुछ गा दो <laughs> <laughs> तो आप कुछ गा लो ऐसे यार अब ये गाना याद दिला दिया तो मैं यही गा देता हूं वैसे बिल्कुल बिल्कुल ये रागनी है मैं तो ये बाली शर्मा जी को सबसे पहले तो बहुत-बहुत रिस्पेक्ट है शाउट आउट है उनको तो ऐसे है कि हेरा कर 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 हार पनघट का नीचार चली बाजी पायल करगी घायल नैना की तलवार चली हिर कर हिरा हार नारवा वेरी nice. wow. <laughs> अच्छा आपके जो गाने हैं ना मतलब मैंने उसमें देखा कि जो वर्ड्स हैं जैसे बदमोस छोरा रोम रोम तो व्हाट इज दिस मतलब भाई ये गुजरी गुजरी है है जी जी ओके तो कुछ और बोल करके जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आप कुछ पूछो मैं आपसे जवाब देता हूँ पूछूं कि अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ मेरी जी कोई गर्लफ्रेंड है ही ना हम पता ही न <laughs> मतलब यार ऐसी है थोड़ा सा अपने में जो है ना ये ब्रज भाषा जो होती है ना ब्रज भाषा और अपनी थोड़ी हरियाणवी वेस्टर्न यूपी ये थोड़ा मिक्स होकर ना गुजरी लैंग्वेज बन जाती है हमारी ओके। हमारी खुद की लैंग्वेज बन जाती है क्योंकि इस एरिया में अपना एनसीआर रीजन में ना हाँ। एनसीआर रीजन में ज्यादातर जो है अपना वहां तक मथुरा तक हाँ। और यहाँ अपना नोएडा एनसीआर ग्रेटर नोएडा ये सब फरीदाबाद हो गए पलवल हो गए फिर इस साइड गुड़गांव वुड़गाम हो गए दिल्ली हो गई पूरी यहाँ यही लैंग्वेज बोली जाती है मतलब ज्यादातर गुजरी ओ, ही बोली जाती okay. है जी तो लोकल वर्ड्स मैं गुजरी के ही यूज करता हूँ ज्यादातर मतलब हाँ क्योंकि जब आपका गाना आया था लेले रोम रोम तो हम सोचते थे कि की लेले राम राम होना चाहिए ना ये रोम रोम कैसे हो रहा है तो यही था ना एक्चुअली इसमें मैं आपके थ्रू बोल देता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि भगवान की इज्जत क्यों नहीं कर रहा रोम रोम क्या होता है राम राम होता तो मैं उन लोगों को बता दू यार दिल से लो तो सब यार पत्थर भी भगवान है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से बोल रहे ये फर्क पड़ता है कि दिल से बोल रहे कि कहाँ से बोल रहे समझ रहे हो आप तो अपनी जो है श्रद्धा को देखो श्रद्धा को इस तरीके से देखो यार हम कोई या आजकल के तो है नहीं जो इंस्टाग्राम पे आगे रोम रोम लिखने लग गए है। हमारे बड़े बूढ़े जन कब से रोम रोम बोलते आ रहे तो वो व्यूज के लिए तो कर नहीं रहे चीज ठीक है, है? ये बहुत पहले से ये चीजें चली आ रही तो मैं उनको बता रहा हूँ कि यार दिल से बोली जाती है जो भी चीज बोली जाती है भगवान के लिए दिल से निकली है रोम रोम ऐसा नहीं है कि हम जो है इज्जत नहीं करते भगवान की भगवान उतना ही सबके है जितने सबके है सारी दुनिया भगवान ने बनाई है समझ रहे हो

मतलब मेरा टेक ये थोड़ा सा ओपन माइंड करना चाहिए लोगो को okay. कि पहले नहीं था ये सब हाँ पहले तो मतलब अब तो काफी सारी चीजें होती हैं पहले नहीं था आपको मैं एक जो है बता दू अगर इस तरीके से मैं आपको बता ही रहा हूँ तो हमारे साइड ना होली पे मथुरा साइड तो रसिया होती है रसिया सुनना कभी घर जाके किस तरीके की होती है मैं यहाँ पे खेल बताऊंगा नहीं रसिया होती है रागनी होती है एक तरीके की वो सुनना आप किस तरीके की होती है थोड़ा ओपन माइंड करो लोगों को दिल देखो दिल कैसे है लोगो का ये मत देखो कि यार उन्होंने बाई चांस ऑन द स्पॉट बोल के आ दिया लिख के आ दिया समझ रहे हो बस ये चीजें देखो आप अच्छा, तो आपने थी कि यार, चलो एक जो है, मैंने गाना परफॉर्म करा था उस गाने से मैं यहाँ तक आ गया हूँ कि बॉलीवुड में उस गाने को मतलब जगह हाँ, मिल मिली जगह तो ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी ऑब्वियसली अच्छा लगा मतलब बड़े क्रू के साथ बाकी गणेश आचार्य सर जो जो थे उन्होंने वो डायरेक्ट करा था और ऑब्वियसली सब जानते सर को बचपन से ही सबने देखा है तो ऐसा था कि यार मैं इन बड़े लोगों के साथ यहां पे खड़ा हूं तो की अच्छा हाँ सब, सब सब तो यार्लान है इंडस्ट्री खा जानी पूरी किसको खानी है सबसे पहले इंडस्ट्री इंडस्ट्री खानी है मतलब खार नहीं है मेरी मेरी तो खार तो खैर किसी से है नहीं सही बताऊं तो खार क्या है मतलब अपना ऐसा है कि अपना दबदबा जमाना इंडस्ट्री पे कि गाने चल रहे तो अपने ही चल रहे हैं अब बस हरियाणा गाड़ी गाने में चल रहे है, हैं अपने बसों में अपने चल रहे हैं जहाँ देखो अपने ही गाने चल रहे हैं है। बस ये करनी ठोक जमा देनी इंडस्ट्री में ओके <laughs> okay, अच्छा अब हमारे पास कुछ मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस हैं आपके बारे में जो कि जनता जो है वो पूछती अच्छा, है अच्छा, और आ, हम लेकर के आए हैं और मैं चाहूंगी की आप प्लीज सच, सच सच सब कुछ जवाब दे आपके जो फैंस व्यूअर्स वो बहुत मतलब ठीक है हाउ मच डज डी स्क्वायर अर्न मतलब सालाना कमाते हो बता दो महीने का दिन का कैसे भी करके हम जोड़ घड़ाव कर लेंगे सालाना कितना होता होगा यार पता नहीं यार सच्ची बताऊ तो मैं ना यार कितना हो जाता होगा साल में

किताबी एकदम जो जवाब होता है ना छाप नहीं, नहीं है, यार। कि हर में यही बोलना है हमारे पास कुछ तो बता दो यार <laughs> अच्छा कभी कोई तो गर्लफ्रेंड बनी होगी यार देखो ऐसा है सबकी बनती है हाँ। ठीक है हाँ। सबकी बनती है सबकी हट जाती है वो वाले चक्कर तो चलते ही रहते कोई चक्कर नहीं है वो तो अभी मतलब एट मत... प्रेजेंट कोई गर्लफ्रेंड नहीं पहले थे म्यूजिक के अलावा कोई दूसरा प्यार मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ यार मेरी तो मम्मी ही लाएगी

और संस्कार समझे अपने कल्चर समझे क्या है और मेरी माँ की रिस्पेक्ट करें बस खत्म बात वाओ सर स्वीट मामास बॉय हाँ जी हाँ जी ओके व्हाट इज एमसी स्क्वेयर्स मोस्ट यूजलेस टैलेंट सबसे बेकार टैलेंट क्या है आपका ये तो बहुत अच्छा सवाल है यार <laughs> यार ये तो बहुत अच्छा सवाल है सही में यू आर अ गुड क्वेश्चन मोस्ट यूजलेस टैलेंट मेरा <laughs> मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है तो बिल्डर मतलब आपने सिविल करना शुरू तो किया उसके बाद फिर आपने रैपिंग में कदम रख दिया, मतलब ये मतलब मतलब इंडस्ट्री में नहीं चले गए बादशाह भाई भी सिविल इंजीनियर से हाँ, कैसे होता है मतलब सारे जितने लोग होते हैं वो इंजीनियर ही होते यही है इंजीनियर होते हैं इंजीनियरिंग सब कुछ कर लेते वो तो किसको मतलब तो आपका मन था इंजीनियरिंग करने का या फिर इंजीनियरिंग तो okay. अच्छा ये अच्छा होता काम फिर आपने सोचा था सिविल इंजीनियरिंग हो जाएगी बिल्डर बन जाएंगे हाँ तो बहुत नोट आपते उसमें भी ये तो लिखा ही था भगवान लिखी रखी है एक और क्वेश्चन है एमसी स्क्वायर क्रेजिएस्ट फैन एक्सपीरियंस क्रेजिएस्ट यार क्रेजिएस्ट हाँ ये था कि चार पांच बच्चे थे दूर से ना मेरे से मिलने आ रखे थे अपनी साइकिल वगैरह पे अच्छा मेरे घर पे घर पे मेरे से मिलने आए थे तो वो अपना जो है मिले विले और वो बारिश हो गई फिर बहुत जाते थे वो साइकिल से साई आए थे hmm. तो मैंने कहा यार तुम कैसे जाओगे अब घर तो मैं उनको छोड़ना चला गया अपनी गाड़ी से

नहीं यार मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा सही बताऊं तो अरे चलो लड़की फैंस सुन रही है <laughs> कुछ तो क्रेजी एक्सपीरियंस देना पड़ेगा ओके okay, अब मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है कुछ टास्क है आपके हाँ जी। पास है। जो मेरे पास लाइंस हैं इस वक्त वो बॉलीवुड की बहुत आइकॉनिक डायलॉग्स हैं जिसको आपको अपने लैंग्वेज में बोलना है ठीक है ठीक तो पहला डायलॉग है आपने सुना होगा परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन यही इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन।, तो अनुशासन ये है ना परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन ये यही गुरुकुल के तीन अंग <laughs> रहो, <laughs> रहो। कोटाई जाएगी में में फिल्म जब बोली गई है तो वो एकदम डिसिप्लिन को डिपीट कर रहा से बोला परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन यही गुरुकुल के सारे सारे नमोने <laughs> आप चाह के भी कभी सीरियस नहीं हो पाओगे ना मैं हाँ। मैं बहुत सीरियस हूँ जी अच्छा हाँ जी हाँ चलो ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट <laughs> uh, जो लाइन है हमारी उसको आपको सीरियसली बोलना है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू <laughs> 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 सीरियस एक चुटकी सिंदूर सीरियस <laughs> अच्छा अच्छा वैसे एक चुटकी सिंदूर की कीमत स्माइल नहीं करनी है तू कहा स्माइल नहीं करनी है बिना स्माइल के एक चुटकी सिंदूर की कीमत तू कहां जानारा रमेश बाबू तो न्यार पूछता ही फुर्सत ना है What? तो न्यार पूछता ही फुर्सत ना है सबटाइटल प्लीज और सारे भाई कमेंट कर देना नीचे ठीक है मुझे तो जरूरत पड़ेगी सबटाइटल की ओके थर्ड लाइन है हमारी फिल्में सिर्फ तीन चीजों की वजह से चलती हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट फिल्म बेस तीन चीजों की वजह से चले एंटरटेनमेंट 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 दिस 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 वाज नाइस चलो फिल्म फिल्म जो है तीन चीजों की वजह से चले है एमसी स्क्वायर एमसी स्क्वायर एमसी स्क्वायर गुड <laughs> <Good. laughs> मौके पे नाइस चौका ठीक <laughs> है ओके इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू अभिषेक मतलब इतना मैं मुझे नहीं लगता है मैंने किसी भी इंटरव्यू में इतना लगातार मैं हंसी हूं एंड इट इज रियली बहुत अच्छी वाइब आती है आपके साथ एनर्जी।, <laughs> एनर्जी एनर्जी थैंक <laughs> यू एक बार मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बोल दें कि एबीपी लाइव को लाइक like, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने टोन में गुजरी एबीपी लाइव एबीपी लाइव तो राम राम भाई सब ने सारे के सारे एबीपी लाइव को जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो कमेंट भी करें बिल्कुल सब सब तरह से सपोर्ट कर दो राम राम सब भाई राम राम